हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। जैसा ही गाइस आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि पीसी में काइनेमास्टर आप यूज करते हो तो वहां पर मीडिया इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, साथ के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लोकेशन पता नहीं चल रही है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप डेस्कटॉप लोकेशन पर इसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ यहाँ पर कि मैंने कुछ वक्त पहले, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इंपोर्ट मीडिया पीसी काइनेमास्टर वीडियो अपलोड की थी, बट मैंने यहाँ एक्सपोर्ट करना नहीं बताया था। और उसके बाद कुछ कमेंट भी आए थे यहाँ पे, कि 3 दिन पहले ही कमेंट आया था, प्लीज़ टेल मी हाउ टू एक्सपोर्ट वीडियो और डेस्कटॉप, या फिर अरे भाई हिंदी में कह सकते हैं एक्सपोर्ट का फोल्डर क्रिएट करें। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्सपोर्ट समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए आपको आज वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एक चीज़ सॉरी कहना चाहूँगा कि इस कमेंट को काफ़ी टाइम आ गया, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, और इस कमेंट को भी टाइम हो गया, मुझे जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी थी, बट कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, बट मैं इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट की तो लोकेशन आपको पता चल जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर बना के रखे हैं, एक इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। आप चाहे तो ना बनाएं, इसकी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको क्या करना है कि ब्लू स्टैक ओपन कर लेना है। ब्लू स्टैक 5 है, उसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, ब्लू स्टैक ओपन हो चुका है और इसमें काइनेमास्टर है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद बताता हूँ कि आपको इसमें मीडिया नहीं शो होगा। तो सबसे पहले मीडिया इंपोर्ट करेंगे, देन एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो एडिट करने के बाद। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। देन मैं 16:9 का लेना चाहता हूँ, देन नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ कोई मीडिया नहीं है और कोई फाइल है नहीं है। देन मैं वापस जाता हूँ, वापस जाने के बाद मीडिया पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, किसी वीडियो को जो भी मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपको होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम ऐप पर जाना है। देन सिस्टम ऐप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया को क्लिक करते एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको इंपोर्ट फ्रॉम विंडोज का ऑप्शन नजर आएगा। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपनी लोकेशन, जहाँ भी आपने मीडिया फाइल एक्सेट्रा आपने रखा है, तो आप उसको वहाँ पर जा सकते हो वहाँ पर, एंड डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास, मैंने यहाँ पर जो फाइल है वो मैंने डेस्कटॉप पर ली हुई है, और मैं यहाँ पर ये JPG फाइल है, वीडियो फाइल है। ओके, यहाँ पर मैं आपका राइट क्लिक करके मैं आपको यहाँ पर इसका टाइप दिखा देता हूँ। ये MP4 फाइल है, देन दिस इज JPG फाइल। ओके, अब मैं इन दोनों को इंपोर्ट करा लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, देन ओपन। ओपन होने के बाद यहाँ प्रोसेसिंग होगी। ओके, दोनों फाइल इंपोर्ट हो चुकी हैं। देन आपको एस्केप करके बाहर जाना है या फिर होम पर चले जाना है। होम पर जाने के बाद यहाँ रिसेंट ऐप नजर आते हैं आपके एंड्रॉइड की तरह, देन काइनेमास्टर आपके सामने होगा। काइनेमास्टर पर आप मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर आप देख सकते हो कि यहाँ कॉर्नर में शेयर फोल्डर में मीडिया आ जाता है। देन दोनों फाइल मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मुझे वीडियो फाइल लेनी है तो वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ। देन आपको जो भी फाइल चाहिए होते हैं वो लेंगे, और मैं इसको ओके कर दिया है। ये करने के बाद मैं वापस क्लिक करता हूँ और देन अगेन, और मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में ले चलता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो मेरी 4 मिनट की है, बिल्कुल एंड में बात करूँगा, 4 मिनट की है, और ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी एक्सपोर्ट करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इसका कुछ पार्ट कट कर लेता हूँ और यहाँ प्ले करके भी यहाँ दिखा देता हूँ। और मैं आगे पार्ट कट कर देता हूँ, 17 सेकंड की रहने देता हूँ। और मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद सीजर एंड ट्रिम टू राइट एंड ऑफ प्लेहेड, मैं राइट से कट कर देता हूँ। अब मेरी 17 सेकंड की बची है। ओके, अब मुझे एक्सपोर्ट करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट करेंगे। देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। देन यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी लेना चाहते हैं वैसी क्वालिटी लेंगे। प्रैक्टिकल करूँगा तो ये प्रैक्टिकल जल्दी हो जाए, इसलिए मैं इसको लो या फिर मीडियम पर कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सेव पर क्लिक कर देता हूँ। देन वीडियो यहाँ पर सेव हो रही है, इसके लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पर वीडियो मेरी एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद सिस्टम ऐप पर जाना है, देन मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखेंगे एक एक्सप्लोर नाम का एक आपको यहाँ पर ड्राइव टाइप का नजर आएगा। देन आप इसमें काइनेमास्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट का नजर आएगा आपको। एक्सपोर्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, और मैं यहाँ भी आपको वीडियो को प्ले करूंगा। ये भी 70 सेकंड की ही है जो मैंने एक्सपोर्ट किया है। ओके, 17 सेकंड में आपको दिखा दूं। देन एस्केप कर देता हूँ। देन आप लेफ्ट क्लिक
होल्ड करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, देन एक्सपोर्ट विंडो पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट विंडो पर क्लिक करने के बाद आपके पीसी के जो ड्राइव है, मैं कहूँ कि पीसी की लोकेशन ओपन हो जाएगी। देन आपको डेस्कटॉप पर या कहीं भी इसको सेव करना है तो उस लोकेशन में जाएंगे। देन आपने जो फोल्डर बनाया था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस पर क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। ओके, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और डेस्कटॉप पर जाकर देखेंगे, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद एक्सपोर्ट काइन मास्टर का जो फोल्डर था, इस पर क्लिक किया मैंने और इसको प्ले करके देखता हूँ। और प्ले करके 17 सेकंड की थी, आप वैसे ही यहाँ पर देख सकते हो 17 सेकंड आ रहा है। और मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो वीडियो 17 सेकंड की ही आपको प्ले होके दिखेगी, 17 सेकंड। तो आप इस तरह वीडियो को किसी भी लोकेशन पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने इस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी अगर आपके सामने कोई और ही प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इतना टाइम नहीं लूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।